गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल द फूड यात्रा। माय नेम इज ऋतिक। आई क्रिएट फूड रिलेटेड एंड ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस ऑन माय चैनल। और ये ब्रेकफास्ट सीरीज का एपिसोड नंबर 6 है और ये आखिरी वीडियो होने वाला। इसके बाद स्नैक सीरीज चालू हो जाएंगी मेरे चैनल पे। और ये वीडियो में ना हम दो हटके डिश बनाने जा रहे हैं। पहला ब्रेकफास्ट डिश में जो बनने वाला है उसका नाम है आलू रोटी। आपने आलू पराठा खाया होगा। ऋतिक भाई कुछ भी अनोखा लेके आते हैं। आलू रोटी क्या है देखो पूरा वीडियो देखो पता चलेगा। और दूसरी डिश का नाम है हरे प्याज से थालीपीठ। मतलब मैं महाराष्ट्रियन हूँ तो महाराष्ट्र में यार थालीपीठ का यार बहुत डिमांड होता है और वन ऑफ द फेमस डिश होती है थालीपीठ। तो वो भी आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट में। आप दोनों डिश देखिए और अगर वीडियो पसंद आ गया ना यार डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के लिए ऑल करिए, क्योंकि ऋतिक भाई का वीडियो आए तो पता चले ना आ गया है करके। और सेकेंडली लाइक का बटन हिट कर देना। चलिए आपसे मिलता हूँ डायरेक्ट कुकिंग के टाइम। पहले डिश के इंग्रेडिएंट आपके सामने प्रस्तुत है। एक एक बताता हूँ क्या क्या है। यहाँ पर है जिंजर छोटा 2 टेबल स्पून लिया है। यहाँ पर 2 टेबल स्पून हमारे पास अजवाइन है। यहाँ पर 2 टेबल स्पून हमारे पास धनिया जीरा पाउडर है। 3 से 4 टेबल स्पून हमारे पास रेड चिली पाउडर है। 2 टेबल स्पून नमक है और थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून पेस्ट बनाई हुई ग्रीन चिली, ठीक है। और यहाँ पर 3 टेबल स्पून ऑयल है, आप बटर में भी बना सकते हो। और यहाँ पर 2 छोटे साइज के इतने साइज के बॉइल्ड पोटैटोस। और ये वाली जो कटोरी दिख रही है ना इसमें हमने 2 पूरा भरकर आटा लिया है, इसमें डाला है। मैं आपको साइज बता रहा हूँ कितना लगेगा। छोटी कटोरी ये इतनी वाली साइज की 2 भर के लेना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप पोटैटोस को अच्छे से स्मैश करो। अगर अच्छे से स्मैश हो जाएगा ना यार तो बहुत अच्छा स्वाद आएगा आलू रोटी का, एक नंबर मजा आएगा। 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, अगर आप तीखे के शौकीन हो गए तो 2 टेबल स्पून डालो। 1 टेबल स्पून अजवाइन, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली पेस्ट। अगर आप तीखे के शौकीन हो गए बहुत तीखा पसंद है तो 2 टेबल स्पून डालो, बट नहीं यार हमारे लिए 1 टेबल स्पून ही। 1 टेबल स्पून हम गार्लिक डाल रहे हो, वाह 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 मजा आने वाला है खाने में। 1 टेबल स्पून धनिया जीरा पाउडर, यार धनिया बहुत पसंद है यार मेरे को तो। 1 टेबल स्पून जिंजर, स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक, क्या बोलते हैं नमक। सारे मसाले मिक्स हो जाने चाहिए, अच्छे से स्वाद आना चाहिए यार, क्योंकि यार ये आलू का यार जो पेस्ट बन रहा है मजा आ जाना चाहिए इसमें। लास्ट सेकंड स्टेप, थोड़ा थोड़ा आटा डालिए और मिक्स करिए, फिर थोड़ा थोड़ा आटा डालिए फिर मिक्स करिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालना है यार। 1 टेबल स्पून ऑयल डाल रहे हैं हम उसमें, और हमें ना पानी की मात्रा इस डो जो बना रहे उसमें बहुत कम रखनी है। बहुत मतलब आप जैसे पानी छिड़कते हो ना वैसे ही छिड़को। अभी समझा आलू रोटी क्या होती है, मतलब आलू रहता है कुछ मसाले रहते हैं और आटा रहता है। बट आलू पराठा क्या होता है, उसमें पहले डो बनता है फिर आलू जाता है फिर प्याज जाता है फिर टमाटर जाता है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मसाले जाते हैं, ऐसा होता है। बट अगर आपको फटाफट नाश्ता बनाना है ना तो आलू रोटी इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर अ परफेक्ट ब्रेकफास्ट, ठीक है। अभी डो रेडी हो गया है, उसको ना अभी हम रोटी के फॉर्मेट में शेप देंगे। क्या रोटी के फॉर्मेट में शेप, देखिए अभी कैसा हमारा अच्छे से डो बन गया है प्रॉपरली। हाँ डो रेडी हो गया है, अभी इसको बेलेंगे अच्छे से और इस पे सेकेंगे, ठीक है। बेलन गया 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 और भाई मस्त छोटी छोटी रोटी और चटपटी रोटी। इसमें ना अगर आपके पास चाट मसाला होगा ना वो भी डालिए, मस्त चटपटा स्वाद आता है, ठीक है। रोटी बेल लेते हैं फिर डालते हैं इस पे, बेल लेते हैं पहले, ठीक। गया गया आलू रोटी गया तवे पे और अच्छे से गर्म होने के लिए स्टार्ट हो गया है। जब तक इसका कलर थोड़ा सा साइड से ऐसा क्रंची और ब्राउन ना हो, देखो ये साइड की लेयर ना थोड़ी क्रिस्पी क्रंची दिखती है, कड़क कड़क होती है ना वैसा होने दो। सो सेकेंड डिश थालीपीठ बनाने जा रहे हैं। थालीपीठ हम बनाने जा रहे हैं हरे प्याज से बनाने जा रहे हैं। यार बहुत लोग थालीपीठ बनाते हैं महाराष्ट्र में तो यार वो लौकी के इससे भी थालीपीठ बनाते हैं और दूसरे भी होते हैं जिससे आप थालीपीठ बना सकते हो, बट हम हरे प्याज से बनाने जा रहे हैं। आपको बताता हूँ इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। इंग्रेडिएंट आपके सामने रखे गए, बताता हूँ एक क्या है, ठीक है। राइस का आटा, यहाँ पर है गेहूं का आटा, यहाँ पर है ज्वार का आटा, यहाँ पर है 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल, यहाँ पर है 1 पूरा ग्लास मस्त पानी रखा हुआ, और उसके बाद ये यहाँ पर रेड चिली पाउडर, यहाँ पर है नमक, यहाँ पर है ग्रीन पत्तों वाला जो होता है ऑनियन, वही ऑनियन है, और यहाँ पर है थोड़ा सा पेस्ट ग्रीन चिली का, यहाँ पर है टर्मरिक या फिर हल्दी बोल सकते हो, यहाँ पर है गार्लिक,
यहाँ पर है अजवाइन, यहाँ पर है धनिया जीरा पाउडर। चलिए शुरू करते हैं अभी सेकंड डिश की प्रिपरेशन। चावल का आटा गया मतलब राइस का आटा, फिर उसके बाद गेहूं का आटा गया, फिर उसके बाद ज्वार का आटा गया, तीनों आटा हो गए। फिर 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर गया, फिर उसके 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली पेस्ट, फिर हरे प्याज के पत्ते डाले, ये देखो पूरे चॉप्ड किए हुए, माइन्यूट चॉप्ड है, देखो अच्छे से चॉप करिए जब काटते हो आप। हरे प्याज के ऑनियन, वाह 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 वाह, ये छोटे छोटे होते हैं ना, आप मार्केट में किसी से भी पूछ लो यार, हरे प्याज के पत्ते वाले ऑनियन दो, कोई भी दे देगा। फिर उसके बाद धनिया जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, स्पून अजवाइन, अजवाइन अजवाइन, देखो कलर, देखो कलर हो गया। फिर उसके बाद 1 टेबल स्पून टर्मरिक, हल्दी बहुत अच्छा है आज के डेट में, जितना ज्यादा खाए उतना अच्छा है, सुबह भी पीजिए हल्दी का दूध, रात में भी पीजिए हल्दी का दूध, और स्वाद अनुसार नमक, वाह वाह वाह। 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, सारे मसाले और सारे आटे वगैरह सब मिक्स हो गए अच्छे से। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी डालो, जैसे आप नॉर्मल रोटी का डो बनाते हो आपको पता है कितना पानी डालना है कितने मटेरियल पे, उतना ही डालिए और इसका अच्छे से डो बना लीजिए। आपके पास दो चॉइसेस है डो बनाने के बाद, एक तो आप कढ़ाई में बना सकते हो, दूसरा आप दोसे वाले पैन पे बना सकते हो, हम दोसे वाले पैन पे बना रहे हैं। बट मुझे स्पेशली बताने जाओ तो यार कढ़ाई वाला थालीपीठ बहुत पसंद है, मेरी बुआ बनाती है यार, क्योंकि कढ़ाई वाले थालीपीठ में ना यार वो थोड़ा क्रंची होता है और वो थोड़ा कड़क होता है, तो इसमें कैसे ना थोड़ा नरम होने का चांस होता है, बट ये भी बहुत अच्छा ही लगता है, बट सबसे बेस्ट कढ़ाई वाला होता है, एक बार आप ट्राई करिए। आपके पास जो चांस है उससे बनाओ, आपके पास कढ़ाई है तो कढ़ाई से बनाओ, या फिर आपके पास डोसा वाला पैन है उससे बनाओ। चलो अभी बनाते हैं, फाइनली बता ही रहा हूँ। पहले ऑयल आप अप्लाई करिए डोसा वाले पैन पे या फिर कढ़ाई में, फिर जैसे आप रोटी बेल के रोटी करते थे ना वैसा मत करिए, आप हाथ से ही ना इसे इस पैन पे स्प्रेड करिए। पहले सबसे पहले ना नीचे अच्छे से ऑयल लगा लीजिए और इसे 3 से 5 मिनट कुक होने दो एक साइड से, फिर दूसरे साइड से 2 से 3 मिनट, हो जाएगा आपका थालीपीठ रेडी इन 10 मिनट्स। हमने मीडियम फ्लेम पे इसे रख दिया है 5 से 7 मिनट कुक होने के लिए, ऊपर का सिंक क्लोज कर दिया है, थालीपीठ मजेदार और अच्छा बनने वाला है खाने के लिए। आपसे मिलता हूं डायरेक्ट टेस्टिंग के टाइम। फाइनली दोनों डिश रेडी हो गए, टनाना मजा आने वाली है। क्यों पता है, ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको आलू से एलर्जी होती है, बट लग रहा है कि इसमें आलू डाला है। जरा पास आओ यार, देखो प्रेजेंटेशन आज की मस्त दिख रही है, पता भी नहीं चल रहा है, इसके अंदर स्टफिंग भी दिखेंगे नहीं क्योंकि आलू पहले ही मिक्स किया गया है ना डो बनाने के पहले। और ये कोकोनट की चटनी है, बहुत हेल्दी है, एक नंबर, क्योंकि यार ये मम्मी हर बार बनाती है घर पे, ये मेरी फेवरेट डिश है, बचपन से मेरे को आलू रोटी खाने मिला है, ज़्यादा से ज़्यादा आलू पराठे से सॉस के साथ भी खाते हैं, लाजवाब। बताओ थालीपीठ दो, थालीपीठ बहुत हेल्दी होता है, इसमें राइस का आटा है, फिर गेहूं का आटा है, फिर उसके बाद ज्वार का आटा है, इतने सारे आटा होने के बाद कितना अच्छा लगेगा। और यार हरा प्याज है इसमें, बहुत हेल्दी है। और थालीपीठ आप ना ठेचा के साथ खा के देखो, घर पे ठेचा होगा तो बहुत ही हटके लगता है। ये वो बोला था ये साइड से क्रंची हो जाएगा, बट ये बीच में से क्रंची नहीं होता है, वो सिर्फ कढ़ाई में होता है, बट कढ़ाई में करने जाओगे तो तेल ज़्यादा लगता है और अनहेल्दी होता है थोड़ा बहुत, बट ये पैन पे करने जाओगे तो थोड़ा हेल्दी लगता है, इसलिए आप आपकी चॉइस है, देखो आप वो बनाने वाले हमें खाने वाले घर पे। सुपर मजा आ गया, अभी लग रहा है यार ब्रेकफास्ट सीरीज का छठवां वीडियो इतना अच्छा बना, और ये हमारा आखिरी वीडियो है ब्रेकफास्ट सीरीज का, और ये बहुत अच्छे डिशेस बन गए, पता नहीं था यार, सोचा नहीं था कि इतने अच्छे बन जाएंगे। और आपको बता रहा हूँ यार, कमेंट सेक्शन में विचार भर दो, हम अगली सीरीज स्नैक सीरीज चालू करने वाले, आपको क्या एपिसोड नंबर 1 चाहिए आप बताओ मुझे यहाँ पे, और मुझे आप DM कर सकते हो, the.foodie.yatra मेरी इंस्टा की ID है, वहाँ पर भी आप DM कर सकते हो कि ऋतिक भैया अगला स्नैक्स का वीडियो वो बनाओ, अगर मुझे पसंद आ गया और सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हो गए घर पे तो डेफिनेटली वो डिश होगी एपिसोड नंबर 1 पे, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, पूरा चंद्रपुर लॉकडाउन होके ग्रॉसरी भी बंद है, पूरे शॉप्स बंद है, इसीलिए
अगर घर पे अवेलेबल होगा तो डेफिनेटली बनाऊंगा। आपसे मिलता हूँ कुछ दिनों में हटके डिश के साथ स्नैक सीरीज में, तब तक के लिए बाय।